आज के मेहमान अथ स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम इत प्रियम भारत भारतम इत प्रियम भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम के मेहमान। आज सुनिए अभिनेता मुकुल नाग से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। दोस्तों, आज के मेहमान में हमारे मेहमान हैं मुकुल नाग जी, अभिनय की दुनिया के बादशाह। और जिस तरह से एक अभिनय आपने सीखा, उसमें धीरे धीरे और मंझते चले गए, या यूं कहें कि खुद भी बहुत अपने ऊपर भी काम किया, लोगों से भी सीखा। फिल्मों की बात चल रही थी तो सत्ता आपकी बहुत फेमस फिल्म है, और शुरुआती दौर की अगर हम बात करें तो मस्त फिल्म में भी आप रहे हैं। हाँ, वो ट्रायल था रामू जी का, 1084 की माँ, उसमें बहुत शुरुआत की फिल्म है आपकी। हाँ, बहुत शुरुआत के दिन थे। उसकी शूटिंग का क्या आपको अनुभव? बॉम्बे में ही हुई, बॉम्बे में शूटिंग हुई, तो मैं जिया जी का दामाद बना था जी। और ये मैं माहिम में रहता था तब, वो मेरे को बुलाया गया, रोल है करोगे? मैंने हाँ क्यों नहीं करेंगे, हम दिग्गज डायरेक्टर जी, दिग्गज लोगों के साथ काम। गोविंद निहलानी जी, उनको तो देखते ही लगता है कि यार यहाँ से कुछ मिलने वाला है जी, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा, और जैसा भी हो, चाहे मुकुल ज्यादा दिन का नहीं, मैंने कोई बात नहीं सर करना है, तो बस बाद में जब शॉर्ट आउट हुआ, बड़ा अच्छा काम किया तुमने, तो सीना फूल गया। मैंने कहा चलो कुछ तो, लेकिन उसके बाद उन्होंने काम नहीं किया, फिर मौका ही नहीं मिला। स्ट्रगल मेरा बहुत रहा है, किस्मत ज्यादा साथ चली नहीं, तो श्याम बेनेगल जी से का मतलब उनके ऑफिस में काफी आना जाना चलता रहा, काम मिला मेरे को बाद में। अच्छा। हाँ, लेकिन वो बोलते हैं ना कि किस्मत होना भी बहुत जरूरी है जी। अगर आपका राइट टाइम नहीं आया तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो आपको मिलने वाला ही नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा है, ईश्वर ने कहा है, कृष्ण जी मेरा आराध्य है, उनके बातों पर मैं विश्वास करता हूँ। उनका जब बहुत ज्यादा खलबली हो, या जैसे नदी बहुत वेग से जा रही है और आप उसमें आ गए, फंस गए हैं, तो अपने आप को छोड़ दो जी, वो कहीं ना कहीं किनारे कर देगा। अगर आप वहां स्ट्रगल करोगे तो आप घूम फिर के अंदर डूब जाओगे। तो ये उन कठिन समय के दौरान मैंने अपने आप को छोड़ दिया कि कुछ नहीं हो रहा तो छोड़ दो, जो मिल रहा है वो करते रहो करते रहो। तो उसी दौरान जो भी मिलता रहा मैं करता रहा। फिर वो दौर आया, फिर 98 जहां से मुझे पुश मिला जी, जो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ पाया। वो है 98, मेरी शादी भी हो गई थी और मेरे पास खर्चे वर्चे सब हो गए थे, बस 2 महीने का राशन और रहने का पैसा था मेरे पास। तो कन्हैया मेरा आराध्य है, मेरे मित्र है, तो पूजा उजा कर रहा था। पूजा के बाद खूब झगड़ा किया उनसे, मैंने चला जाऊं दिल्ली, चला जाता हूं, अब यहां कुछ होने वाला है नहीं, तो जाता हूं जाके वहीं थिएटर करूंगा, अपना लाइट वाइट सब है मेरे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही अच्छा है, तू चाहता है कि मैं चला जाऊं तो मैं चला जाता हूं। आधा पौन घंटे तक झगड़ा किया जी, रोया, जो भी किया, उठा तो पेजर बजा। अच्छा। कॉन्टेक्ट इमीडिएटली सागर आर्ट्स। क्या बात है। और रामानंद सागर ने रोल क्या दिया? सुदामा। क्या बात है। और जिसने 1.5 साल का खर्चा, पानी, रहना सब दे दिया, वो कन्हैया ने दिया ना, रोल क्या दिया? सुदामा दिया। और जिसको मैंने मना कर दिया था, सर आप गलत चूज कर रहे हो, मैं वो करेक्टर कर ही नहीं सकता, आप मेरा शरीर देखो, ये करेगा तो बेटा तू ही। अच्छा। तेरे बस की है, और कोई कर नहीं सकता। मैं पागल हो गया क्या? मैं बाहर आया, मैंने वाइफ को पीपी से फोन किया, बोला मैंने कहा पागल हो गया रामानंद सागर, मेरे को सुदामा रोल दिया, मैं कहां से दिखता हूँ सुदामा जी। बोला कि परसों टिकट है, तेरे को जाना है, अब उनको मना नहीं कर सकता, कर जाओ तो सही। बड़े बेढंगे मन से मैं गया वहां मेकअप रूम में गया, उन्होंने वीक लगा दिया, टेढ़ा मेढ़ा सा, मैं तो गर्दन में नहीं हिला पा रहा था इतना। फिर मैंने सब उतार के फेंक दिया, मैंने नहीं करना, मैं स्टूडियो से बाहर चला गया। तो मोती सागर जी शॉट लगाए बैठे थे, बोले मुकुल नाग भाग गए। तो कहा नहीं कोई बात है, हम वेट करते हैं। अच्छा। और मैं बड़ौदा में लक्ष्मी स्टूडियो, शहर से बहुत दूर है, मैं पैदल ही निकल लिया, मतलब
अजीब सी हालत में लोअर और एक शर्ट पहनी हुई थी, वही पहन के बाहर चप्पल में निकल गया, इधर उधर घूमता रहा। फिर नाई की दुकान दिखी, मेरे बड़े सुंदर सुंदर बाल थे, मैं गया, मैंने बाल काट दिए, कैंची वैची, मैंने कहा नहीं कैंची नहीं उस्तरा ला। अच्छा, मैं बहुत एग्रेसिव था तो उस्तरा लिया। बोले क्या करना है, मैंने कहा मैं उस्तरा लिया, ऐसे ऐसे किया मैंने, यहाँ से काटना शुरू किया। करे हम कर गंजा, मैंने कहा हाँ गंजा कर मेरे को, मेरे अंदर से अंदर पता नहीं, उस समय अगर कोई भी होता भगवान ही होता उनको भी डांट देता मैं। तो उन्होंने गंजा वंजा कर दिया, मैंने कहा देखा खुरदुरा सा है, मैंने और कर उस पर उसने साबुन वाबुन लगाया, फिर मैं देखा, मैंने कुछ झलक कुछ तो लग रहा है, चल ठीक है। फिर मैं पीछे के दरवाजे से मेकअप रूम में गया, मैंने कहा मेकअप शो क्या हुआ, मैंने कहा तू चुप रहना कर पहले, हरी दादू बोलते थे उनको, जोर से डांटा मैंने कहा, क्योंकि अंदर वो कुछ बुलबुला रहा था कुछ करने का वो रहा था, मैं डांट नहीं रहा था लेकिन अंदर से आवाज आ रही थी। मैं बस वो मेकअप करते रहे, मैंने कहा ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, मैंने कहा ये क्या है, बोला कि ये उस सरदारों को लगाने वाला जेल है, मैंने कहा आंखों के नीचे लगा और पपड़ी सी बने ना, मतलब उस तरह। फिर मेरा कीड़ा जो कुलबुलाने लगा, मैं हर चीज पे इधर कर उधर कर ये कर, इधर से कटिंग कर उधर कर, कॉस्ट्यूम धुले हुए कपड़े प्रेस कर, मैंने पागल हो गया क्या, मैंने धरती पर रगड़ा, उसे गंदा किया, फाड़ा और सब, पागल हो गया ये। मैंने लाठी लाओ, लाठी वाठी लेके मैं जब सेट की तरफ आगे बढ़ा तो मोती सागर बोल रहे किसी को, और मेरे को देखा और कुछ नहीं सन से रह गए, और सीधे फिर शॉट पे चले गए लाइट्स ऑन, और क्या मूड लाइट बना था वो। और वो एंटर हुआ, उन्होंने शॉट लगाया था, आज भी याद है, मैं चारपाई पे बैठा हूँ, हरे कृष्णा का जाप कर रहा हूँ, चार बच्चे लेटे हुए हैं कई दिनों से भूखे हैं, बीबी भी फटे कपड़ों में है, बीबी के उस समय कपड़े बहुत उज्जवल थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। तो वो शॉट पर वहां से उठता हूँ, बीबी को देखता हूँ, प्रभु को देखता हूँ, फिर रसोई की तरफ बढ़ता हूँ, वहां से मटके में देखता हूँ, खाना कहीं भी नहीं है, एक चावल का दाना मिलता है, उसके दो टुकड़े करता हूँ, आधा पत्तल पे रखता हूँ एक, आधा दूसरे पत्तल पे रखता हूँ, एक बीबी के पास रखता हूँ, एक मैं प्रभु के पास ले जाके अर्पण करता हूँ। यहाँ तक का शॉट तो इतना लंबा, और वो शॉट ने जो मजा बांधा उसके बाद फिर मैं कैरेक्टर में आ गया। तो ये लंबी जर्नी थी वो समय, मैं आज भी वो सोचता हूँ मैं कैसा पागल सा व्यवहार करने लग गया था सबके साथ, तो क्योंकि कुछ कर नहीं पा रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उन्होंने कहा परसों जाना है, करना तेरे को है, तो मतलब वो मेरे को आज भी याद आता है। मानसिक तैयारी नहीं थी उसके, मानसिक तैयारी नहीं थी, और अपने आप को सोच नहीं पा रहा था कि मैं ये करेक्टर कर भी सकता हूँ कि नहीं। बाद में मेरे को लगा कि जैसे बाल निकाल दिए तो कुछ झलक सी दिखी मेरे को, और स्पार्क हुआ। जब तक कि परफेक्शन नहीं हो कुछ करना नहीं है, ये भी बड़ी बात है, मुकुल जी की खूबी है ये। फिर नंगे पैर चप्पल दिया, मैंने कहा चप्पल सुदामा के पास चप्पल कहाँ थी यार, चप्पल पहनूंगा ही नहीं। पूरे दौरान अगर मैं कॉस्ट्यूम में मेकअप में हूँ तो चप्पल पहनता ही नहीं था, चाहे कितनी भी गर्मी हो, कंकड़ हो, पत्थर हो, मैं ऐसे ही रहता था। इतना डूब जाते हैं आप, तो उसमें मजा होता है। तो एक बार एक शॉट था उसमें कृष्ण के यहाँ जाने के लिए, तो रास्ते में धूप में गर्मी में पैर में मेरे छाले पड़ गए थे, फिर भी मैं शॉट होने के बाद मैं एक जगह बैठा हुआ छालों को सहला रहा था, तो आनंद सागर जी दिख गए, अरे क्या वो बर्फ मंगाओ ये करो, मेरे पैरों पे मालिश करने लग गए। तो ये जर्नी थी एक छोटी सी। बहुत जबरदस्त, और इस तरह का इन्वॉल्वमेंट किसी भी काम में हो तो जाहिर है कि कहते हैं ना सारी कायनात फिर साथ में होती है, और फिर जब इस तरह से आप करते हैं तो वो परिणाम सबके सामने आ जाता है। जैसे कि आपने बहुत विविध रंगी अभिनय किया है, वैसे ही गायकी में भी कुछ आपको बिल्कुल अलग तरीके का कुछ गाना पसंद आता है कि सिर्फ एक तरीके का आप पसंद करते हैं? रमैया बता मैया, रमैया बता मैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल, उसमें अलग ही बात है वो। हाँ, वो जो धुन छिड़ जाती है, चलता है जो उसकी, हाँ, वो मन के चुहलबाजी है, चुहलबाजी है, इस तरह की चीजें जो लाइव जीने का वो मजा दे। बिल्कुल, जैसे लग रहा है कि सच में कोई इस समय ढपली बजा के गा रहा है और मजे ले रहा है, पूरा मजे ले रहा, पूरा आनंद ले रहा। तो चलिए हम भी मजे लेते हैं और ये गीत सुन लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। रमैया वस्ता वैया, रमैया वस्ता वैया, रमैया वस्ता वैया, रमैया वस्ता वैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्ता वैया, रमैया वस्ता वैया, रमैया वस्ता वैया, रमैया
प्यार की रोशनी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी नदी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी नदी। जो दुख पाऊं तो क्या, आज पछताऊं तो क्या, मैं जो दुख पाऊं तो क्या, आज पछताऊं तो क्या। मेरे दिल दुख को दिया, मेरे दिल दुख को दिया, ओ रमैया बसावैया, रमैया बसावैया, रमैया बसावैया, रमैया बसावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बसावैया। बदले में बिकते हैं दिल, सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल। इस बाहों में दर्द की छाओं में प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल, प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल। चांद तारों के तले रात ही रात चले, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बसावैया, रमैया बसावैया, रमैया बसावैया, रमैया बसावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बसावैया, रमैया बसावैया। वहीं से दूर से ही तुझे ये कह दे कभी, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बसावैया, रमैया बसावैया, रमैया बसावैया, रमैया बसावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बसावैया, रमैया बसावैया। फिर वही एक तारा न जाने कहाँ छुप गया, एक तारा न जाने कहाँ छुप गया। दुनिया वही, दुनिया वाले वही, कोई क्या जाने किसका जहाँ लुक गया, कोई क्या जाने किसका जहाँ लुक गया। मेरी आंखों में रहे कौन जो मुझसे कहे, मेरी आंखों में रहे कौन जो मुझसे कहे, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बसावैया, रमैया बसावैया, रमैया बसावैया, रमैया बसावैया। अच्छा ये बताइए, आपको जब लोग मिलते हैं तो सुदामा के रूप में देखते हैं, या आप उस्मान भाई या कुरैशी भाई या और भी आपके जो नकारात्मक रोल रहे हैं उनको देखते हैं, लोगों की प्रतिक्रिया क्या रहती है? अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं, जिसको जो पसंद आता है। तो कई बार अपहरण के लिए भी लोगों ने कहा है, हमने आपकी अपहरण फिल्म देखी, उसमें जो किया आपने ऐसे ही है, साईं बाबा के जो भक्त होते होंगे तो आपने जो किया, तो इस तरह की बातें होती रहती हैं। जी। कोई गंगाजल का फैन है, कोई किसी चीज का फैन है, कह नहीं सकते ना कौन किस चीज का फैन है। मेरे बच्चों ने सुदामा अभी देखा ना लॉकडाउन में, जी जी, तो रो रहे थे सब। ओहो हो, तो फिर जैसे इस तरीके का जब आप करते हैं, जैसे सुदामा का चरित्र हो या विश्वामित्र या साईं बाबा का भी कर रहे हैं, तो क्या उसका पूरा अध्ययन भी करते हैं?
पूरा पढ़ता हूँ पहले, बाबा के बारे में जितनी जानकारी मैं इकट्ठी की तो उसी के हिसाब से फिर मैंने सीन को जोड़ा भी है। अच्छा, तो बाबा ऐसे नहीं थे कि बस सीधे सीधे हाँ कैसे हो ऐसे नहीं, बाबा बड़े उग्र स्वभाव के भी थे, उनकी जो चीजें पढ़ी है मैंने जानी है, तो वो उग्रता बुराई के लिए थी, बुराई के लिए, व्यक्ति के लिए नहीं, उस व्यक्ति के लिए नहीं। तो हमेशा देखो कोई भी संत किसी पे गुस्सा होता है वो उस पे गुस्सा नहीं होता जी, वो जो भगवान के अंश होते हैं वो आपसे क्या मतलब है, बिल्कुल, वो अपना कोई स्वार्थ तो होता नहीं ना उनके जी जी, तो स्वार्थ से अलग होते हैं तो फिर वो व्यवहार ही उनका अलग ही हो जाता है जी। जैसे मैं सोचता हूँ बाप अपने बच्चों को किस तरह से पालता है, वो अपनी सारी चीजें अंदर कर लेता है, अपनी इच्छाओं को सब चीजों अंदर करके बस पुश करता है, अपने बच्चों के लिए सोचता है कि हाँ, जैसे मैं भी अभी भी सोचता हूँ कुछ खा रहा हो तो बच्चों की याद आ जाती है, उसको ये पसंद है जी, अच्छा उसको ये करा देते, मैं क्या है नहीं जरूरत नहीं है, तो उसी तरह ईश्वर भी तो उसी तरह से सोचता है ना अपने बच्चों के बारे में, किसको ऐसे करना है इसको ऐसे करना है। तो अभी जो आप साईं बाबा के रूप में आ रहे हैं, आपके खुद के व्यक्तित्व में कुछ परिवर्तन आ रहा है, आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये हमने चरित्र जब से निभाया तो ये हमारे में बदलाव आ गया, या आप सिर्फ वहां पर रहते हैं, क्या लगता है? मैं अपने अंदर उस कैरेक्टर के चरित्र की जो अच्छाइयाँ होती हैं मैं उसको हमेशा अपने जीवन में उतार लेता हूँ कि अपने जीवन में ये सारी चीजें नहीं करनी। मैंने धीरे धीरे दारू छोड़ दिया, सिगरेट छोड़ दिया, मांस भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अभी तो मीठा भी छोड़ दिया मैंने, ना अब हो गया ना त्याग, जितना हो सके निर्लिप्त हो जाओ, निर्लिप्त हो जाओ, तो उसी में मजा है, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या बात, तो नहीं चीनी खा रहा हूँ, तो मैंने कहा यार ये मेरे ऊपर हावी हो रहा है, तो मैं अपने ऊपर किसी भी चीज को हावी नहीं होने देता हूँ। सिगरेट लगा कि मेरे को हावी हो रही है तो सिगरेट छोड़ दिया, मांस वांस हावी हो रहा था, मैंने कहा मेरे ऊपर हावी हटाओ, अगर अहंकार है घमंड है मैं ऐसे ही भगा देता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, शायद ऊपर वाले की कृपा है मेरे ऊपर की वो मेरे को जागृत कर देता, भाई सचेत हो जाओ छोड़ो, दिखा देते हैं। हाँ, तो मेरे को लगता है कि नहीं छोड़ना चाहिए। क्या बात है। अच्छा अब ये बताइए, फिर जब इतनी साधुवाद और सात्विक बात हो उसके बाद फिर कोई नकारात्मक भूमिका मिलती है तो? वो तो मेरा काम है, काम है, काम में तो काम करना ही पड़ेगा ना, करेंगे। ईश्वर कहता है ना काम को नहीं छोड़ना चाहिए, काम तो कर्म है, कर्म है, बिल्कुल सही, कर्म करते रहो नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। जैसे कि आप मुंबई आए तो एक ख्वाब होता है कि हम बहुत बड़े बड़े एक्टर अभिनेता अभिनेत्रियों से मिलें, कोई ऐसा सपना आपका था या मिलके आपको ऐसा लगा कि ओ माय गॉड क्या बात है ये हमने ख्वाब देखा था आज पूरा हो गया? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मुझे संजीव जी मेरे को बहुत पसंद है जी, संजीव कुमार जी और नूतन जी अभिनय में, वो संजीव कुमार नहीं लगते थे जी, वो कैरेक्टर लगते थे मेरे को, कैरेक्टर वाला आर्टिस्ट ही पसंद है जी। मुझे वो सिर्फ अंदाज वाली चीजें नहीं, संजीव कुमार जिस कैरेक्टर में जाते रहते थे तो लगता था यही वो कैरेक्टर है, तो मैंने उनको जो भी फिल्म देखी है मैंने, वो संजीव कुमार नहीं लगते थे, वो मोटा पेट बाहर निकला, मन चली कहाँ चली क्या डांस किया, कोई कह सकता है कि ये वही आदमी है? क्या तो मैंने स्टडी किया कि कैरेक्टर में घुसना इसे बोलते हैं। चलिए अब आपने ये लाइन गा दी है तो पहले एक लाइन गा दीजिए तो फिर ये गीत हम सुनते चले यहाँ पर, तब आगे बढ़ते हैं। मन चली कहाँ चली, ओ मन चली कहाँ चली, ओ मन चली कहाँ चली, देख 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 मुझसे न शर्मा, एक 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 मैं हूँ एक भौरा, ओ और तू कली, ओ मन चली चली, ओ मन चली कहाँ चली, देख 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 मुझसे न शर्मा, एक 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 मैं हूँ एक भौरा, और तू कली, ओ मन चली कहाँ चली, ओ मन चली कहाँ चली। नाम आई है रंग भरी शाम, फूलों के छलके हैं जाम, औरों ने दिल लिए धाम, ऐसे में है हो, हो, हो,
चकोरी ओ गोरी तू कहाँ चली ओ मन चली कहाँ चली ओ मन चली कहाँ चली जैसा कि अभी आपने बताया कि संजीव कुमार आपके पसंदीदा कलाकार हैं क्योंकि वो उस भूमिका में बिल्कुल जुड़ जाते हैं, पैबस्त हो जाते हैं जो वो अदा करते हैं जी। तो आप भी वैसे ही करते हैं बहुत हद तक संजीव जी को आदर्श मानकर? नहीं, आदर्श मैंने किसी को नहीं माना, लेकिन मुझे वो अच्छे लगते हैं। आदर्श मेरे गुरु रहे हैं जी। जितने भी गुरु एनएसडी के बाहर जितने भी मेरे गुरु रहे सबको मैं हमेशा याद करता रहता हूँ। उनमें देवेंद्र राज अंकुर जी हैं और आपके शाह जी हैं, बज्जू भाई हैं। अगर मैं एनएसडी नहीं जाता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता, क्योंकि एनएसडी एक माँ की तरह उन्होंने हमें पाला, उसको सिखाया, वो कैंपस, वो एटमोसफियर और फ्रीडम कितनी थी कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ कुछ भी करो। लाइब्रेरी खुली है, लाइब्रेरी से सामान ला सकते हो, कॉस्ट्यूम पहनो, रिहर्स करो, ऑडियो स्टूडियो जाओ, अपनी वॉइस चेक करो, तो इतनी सारी सुविधाएं थी। उसमें मांझने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है, तो ये एनएसडी की देन है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। एनएसडी की बात आती है तो आपको और कौन कौन याद आता है? एनएसडी में हमारी मैडम अनुराधा कपूर है, एनएसडी की डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। वो मुझे बहुत पसंद करती थी, मैं गलतियां करता रहता था, क्योंकि मेरे जो और गुरु थे वो कहते हैं गलती करो लेकिन हर रोज नई गलती करो। क्या बात है, रिपीट नहीं करना चाहिए जी। तो अनुराधा जी उसी से ही मेरे को पसंद करती थी, मुझे समझाती रहती थी। मैं बड़ा उग्र किस्म का इंसान रहा हूँ तो मेरे को शांत करती रहती थी, और क्योंकि मेरठ से हूँ तो अंग्रेजी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, मैं अंग्रेजी से बहुत पहले से ही भागता रहा हूँ, आज भी भागता हूँ। फिर मैं एक दिन निश्चय किया कि नहीं, हिंदी बोलने में क्या फर्क, कोई अगर इंग्लिश में बात करता तो मैं कहा भाई हिंदी में बात कर लो, मेरे समझ में आ जाएगी जी। और मैं अच्छे से जवाब भी दे पाऊंगा तुम्हें जी। तो वो मेरे को समझाती थी, वो वेस्टर्न ड्रामा पढ़ाती थी और मेरे को समझाती रहती थी अलग से, मैं उनके चरणों के पास बैठे सुनता रहता था, समझता रहता था। बज्जू भाई अभिनय की बारीकियां अलग से बताते थे, HB शर्मा जी क्राफ्ट के, मतलब उन जैसा टीचर हो ही नहीं सकता, मतलब HB शर्मा जी जैसे। तो ऐसे ऐसे टीचर
जिसके साथ मैं रहा हूँ, उन्होंने जो जो सिखाया उसको अपने अंदर आत्मसात किया, वो आज भी काम आता है। वो चाहे मैं अभिनय कर रहा हूँ लेकिन मेरे को लगता है कि ये सेट ठीक नहीं है जी, तो मैंने कहा यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, देख लीजिए एक बार, तो वो सारी चीजें काम आती हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में क्या क्राफ्ट भी सिखाते हैं अगर आप केवल अभिनय सीखने गए हैं तो भी? नहीं, पहले साल 15-20 सब्जेक्ट होते हैं। अच्छा। हाँ, वो करना बहुत जरूरी है, जैसे मेकअप करना बहुत जरूरी है तो वो क्लास है, कारपेंट्री है, म्यूजिक है, आपके लाइट्स है तो लाइट्स में टेक्निकल चीजें हैं, वो सब सिखाया जाता है और वो सीखना बहुत जरूरी है कि लाइट आपको लेना आना चाहिए, कि लाइट मेरे को मिल रहा है, दिया हुआ है, आप अगर वहां तक नहीं पहुंचोगे, आप फील नहीं करोगे कि यहाँ तेज लाइट है, इसका मतलब मैं पूरे विजुअल में हूँ स्टेज पे, तो आपको उसी तरह से मूव करना है ना। तो अगर आपको लाइट का ही सेंस नहीं है तो आप अंधेरे में अभिनय करते रहो, कोई नहीं देख पा रहा है। और पार्श्व संगीत, हाँ, म्यूजिक कैसा चल रहा है, म्यूजिक में कहाँ आपको पॉज लेना है कि वो म्यूजिक भी आए और आप की बातों को भी लोग सुन, उन सारी चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए ये सारी चीजें होती हैं। स्टेज क्राफ्ट, अगर स्टेज के बारे में आपको मालूम ही नहीं है, आपको अगर सेट मालूम नहीं है, दरवाजा किधर से क्या है, इसमें कितने तेजी से जा सकता हूँ, विंग स्पेस कितना है, मैं फोर्स लेके जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ, वो सारी चीजें आना जरूरी है। मुझे रुस्तम सर अब याद है, मैंने रुस्तम का रोल किया था जी। तो उसके लिए पता नहीं मैंने क्या क्या किया था, उसके बाद 15 फीट ऊंचा एक हाइट में वहां से मैं कुछ जंप मारता हूँ और जाके खड़ा होता हूँ, फिर फाइटिंग करता हूँ और वो प्ले खत्म हुआ तो उसके बाद मेरे को पता चला कि मेरा जो है डैमेज हो गया पैर जी, तो बैसाखी पे आ गया, प्लास्टर 15 फीट बहुत होता है जी। हाँ, वहां से कूद के आया, तलवार वलवार लेके धप से खड़ा हुआ और फिर फाइटिंग शुरू हो जाती है मेरी सौरभ के साथ। तो वो किसी को बताया नहीं था कि मैं जंप मारूंगा, लेकिन मैंने फाइनल शो में जंप मार दिया मैंने। मतलब सौरभ आता है, कौन है ये, मैं प्रेयर कर रहा हूँ और फिर मैं होता मैं हूँ यहाँ और करके ऊपर से जंप मारता हूँ, खट से सीधा पोजिशन में आता हूँ, फिर फाइट करता हूँ, मैं उसे मारता हूँ, अपने ही बेटे को मार देता हूँ, फिर पता चलता है कि ये मेरा बेटा, फिर विलाप होता है, तो वो एंड होता है। वो जब प्ले खत्म हुआ, कई शोज होने के बाद मेरे किसी कुली को प्रॉब्लम हुई, उसको हॉस्पिटल लेके गया, मैंने डॉक्टर को दिखाया, सर ये लाल हुआ पड़ा है, कह रहा मसल्स फ्रैक्चर है, आपको भी लगाना पड़ेगा। तो स्कूल फोन किया, दोस्त बैसाखी लेकर आओ भाई, तो मैं स्कूल में पहुंचा फिर बैसाखी लेकर। ओहो, ये जुनून, ये जुनून, तो मेरे को लगता है कुछ करना चाहिए, स्पेशल कुछ करना चाहिए, तो ये सारी चीजें एनएसडी की देन है। और आज जब मैं स्विच ऑफ स्विच ऑन बोलते हैं, मैं स्विच ऑफ स्विच ऑन में विश्वास नहीं रखता हूँ, धीरे धीरे मेल्ट करता हूँ, तो एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में जाने के लिए समय चाहिए जी, तो वो लेता हूँ। अभी मैं दो स्टोरी करके आया था, एक कौन सी जमीन अपनी और एक क्या नाम है तुम लोग, दो अलग अलग, एक मुस्लिम और एक सरदार कैरेक्टर, तो दोनों के बीच में गैप नहीं था, आधे आधे घंटे की स्टोरी थी, एक दिन का, एक रात का गैप था, तो दोनों को चेंज किया मैंने। अच्छा। वो भी वही सारा प्रोसेस कि इसको चेंज करना, तो बिल्कुल कैसे चेंज करें, वो भी पूरी रात जाग के ही काम किया, फिर सुबह फिर नॉर्मल हो गया। 2-4 दिन और होता तो मैं सोचता हूँ कि मैं और ज्यादा अच्छा काम कर पाता। अभी उसकी डबिंग खत्म की मैंने, ऐसे ही चलता है। चलिए, ये जब आपके कुछ कर गुजरने की बात आती है तो किसी और नाटक का या अपने अभिनय का जिक्र करना चाहेंगे कि किसी और नाटक के लिए आपने कुछ खास किया हो जो बताना चाहें आप? जी, मैं सत्यदेव दुबे जी के साथ प्ले कर रहा था चाणक्य और चंद्रगुप्त जी, तो उस प्ले का मुझे याद है कि मैं उनका पसंदीदा एक्टर बन गया था, चंद्रगुप्त कर रहा था मैं, और मेरे को साइटिका का अटैक पड़ा, मेरी कमर झुक गई और पेन इतना हो रहा था कि मैं कैसे करूंगा, ओपनिंग शो है। तो उन्होंने डबल कास्टिंग किया हुआ था, राजेश तिवारी है वो भी रेडी था, मुकुल मैं शो ओपनिंग करूं, मैंने कहा देखता हूं तू मेरे को समय दे, देखता हूं क्या होता है। फिर मैं 3 बजे मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, मैंने पीछे से नस दबाई और मतलब प्रैक्टिस करता रहा सीधा खड़े होने, हो नहीं रहा था। 4 बजे हुआ है, क्या करेगा, शो ओपन मैं करूं तू करेगा, मैंने कहा थोड़ा और समय दे, अभी प्ले शुरू होने में 1 घंटा रह गया। पता नहीं क्या जुनून हुआ, मैं पागल हो गया, मैंने कमर में रखा हाथ और पूरी एनर्जी के साथ मैं खड़ा हो गया और बहुत दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ कि मतलब अगर आंखों से खून नहीं निकला बस, और मैं खड़ा हो गया, मैं वहीं से भागा हॉस्टल से वहां तक मैं दौड़ के गया, मैंने कहा कि मैं ओपन करूं, खड़ा हो गया तू, मैंने कहा खड़ा हो गया, भयंकर पेन हो रहा था मेरे को, मैं कॉस्ट्यूम पहना, फिर मैं भूल गया मैं क्या था। वो प्ले मेरे को आज भी याद है कि
दुबे जी छटपटा रहे थे, कहाँ गया मुकुल का, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मैं सर खड़ा हो गया, मैं ओपन कर रहा हूँ। तो क्या ये जो रंगमंच है, उसकी जो लाइट है, साउंड है, और वो जो उसका प्लेटफॉर्म है, मंच जो है, सच में वो कुछ ऐसी एनर्जी देता है? बिल्कुल आपको देता है। खासतौर से आपके चेहरे से पता चल रहा है कि शायद सारी पावर वही देता है। बिल्कुल, मंच हमेशा अलग एनर्जी देता है। आज ये जगह में हूँ, यहाँ मेरे को एनर्जी मिल रही है जी, तो चीजें याद आ रही हैं। तो हर जगह का प्लेटफॉर्म होता है, तो वो अगर कलाकार है तो वो सब चीजों को खींचता है। जैसे स्टेज पर आने के बाद वो पता नहीं क्या होता है कि कोई भी कलाकार, चाहे वो गायकी में हो, चाहे वो डांस कर रहे हो, चाहे क्लासिकल डांस कर रहे हो, अगर वो सच्ची भावना से कर रहे हैं तो अंदर उनके ईश्वर आ ही जाता है जो कराता है। जो मैं बिलीव करता हूँ कि हम सरस्वती वंदना करते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान मेरे साथ रहना, मुझसे गलती ना हो जाए, उसके बाद जब पहला कदम रखते ही अपना सब कुछ आसान हो जाता है। मैं एमके रैना जी के साथ प्ले कर रहा था, हाइना मुलर का प्ले था द टास्क। उसमें एक सीन आता है, वो 8-9 पेज का सीन होता है, वो अकेले मैं कर रहा होता हूँ। मतलब वो सीन आने से पहले धक 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 8-9 पेज बहुत हो गया। हाँ, उसके बाद वो जर्नी शुरू होती है, पहला शब्द निकलता है, उसके बाद मैं ऐसा इन्वॉल्व हो जाता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता कि वो हो कैसे गया। वो क्या बात है, वो एक छोटी सी लाइट में मैं लिफ्ट में हूँ, लिफ्ट जा रही है ऊपर, वो अलग ही कैरेक्टर, सास पोर्ता का जिसकी एक टांग नहीं थी, तो वो एक अलग कहानी है। वो प्ले का मुझे ध्यान आता है कि वो फेज आने से पहले मेरी हालत क्या होती थी, और जब वो हो जाता था तो मैं ये काम हो गया, अभी अगला सीन करना है। तो इस तरह के प्ले में वो सारी चीजें आज भी याद आती है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो जैसे कोई सीन सीरियल का हो या फिल्म का, स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद, अरे इस सीन में तो ये इतना प्रोजेक्ट जाना है, इस पे ये जाना है, इस सीन पे ये करना है, ये मेरी चार सीन बड़े खास हैं, ये जो इसके आने से पहले मेरे को क्या करना है, तो ये सारा मैथमेटिक्स चलता रहता है सीन के साथ। यहाँ से हो जाए, शतरंज खेलते हैं, चाल चलते हैं ना, इधर से उधर सोचते रहते हैं, तो ऐसी तरह से खास सीनों को रख लेता था मैं। साईं बाबा के दौरान भी ये खास सीन, इनको डायरेक्टर से बात, सर इसको बाद में करते हैं ना, थोड़ा पहले ये सब कर लेते हैं, छोटे छोटे सीन्स जो है इसको कर लेते हैं, अब इसमें फोकस करते हैं। सुबह सुबह जल्दी जल्दी कर लिया छोटे छोटे सीन, लंच वंच कर, सर अब करते हैं रात को, सब लोग चले गए, शांति है, चल सर अब शुरू करते हैं। आप जिस तरह से बता रहे हैं ऐसा लग रहा है कि हम आपके साथ शूटिंग में खड़े हैं, रंगमंच पे खड़े हैं, और सब कुछ उसको अनुभूत कर सकते हैं यहाँ पर बैठ के, जिस तरह से आप चित्रित कर रहे हैं, बिल्कुल सच में एक आपने रेखा चित्र सा खींच दिया है, और पता चल रहा है कि हम उसी को जी रहे हैं। मुकुल जी, यहाँ पर हमारे श्रोता भी इंतजार कर रहे होंगे कि आपकी पसंद का एक गीत सुन लिया जाए, कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे? एक गाना है, मौसम आएगा जाएगा प्यार सदा मुस्कुराएगा, मौसम आएगा जाएगा प्यार सदा मुस्कुराएगा, मौसम आएगा जाएगा प्यार सदा मुस्कुराएगा। Yeah,
प्यारा ये नजारा आज सच तक भूल हो जाएगा मौसम आएगा जाएगा प्यार सदा मुस्काएगा मौसम आएगा जाएगा प्यार सदा मुस्काएगा जागी जागी रातों की सहर आए रसिया तेरे ही पत्तों पे जिंदगी गुजर जाए जाने मन जाने जा तेरे लब पे मेरे लबों के साए सजना ना 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 किया जो मैंने ना शर्माए दिल दीवाना मस्ताना मौसम आएगा जाएगा प्यार सदा मुस्काएगा मौसम आएगा जाएगा प्यार सदा मुस्काएगा आएगा जाएगा प्यार सदा मुस्काएगा मौसम आएगा जाएगा ये जब आपने रंगमंच की बात की तो फिल्मों में आप क्या इसको मिस करते हैं क्योंकि रंगमंच बिल्कुल अलग चीज है जी एक टेक में होता है सब कुछ आपने जैसे बताया कि 7-8-9 पेज एक साथ बोलना और यहाँ पर कई टेक में बहुत रिलैक्स रहता है इंसान ऐसा हमें लगता है आपको क्या लगता है फिल्मों में इस तरीके का और रिलैक्स शो करते हैं लेकिन रिलैक्स रहता नहीं है फिल्मों में हाँ जी अंदर ही अंदर अगर सच में जो इसमें डूबा हुआ है चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे वो उनके दिमाग में चलता रहता है जी सामने से रिलैक्स दिख रहा है हाँ वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं लेकिन वो सोच रहा होता है डायरेक्टर भी सोच रहा होता है कि ये टेक इसके साथ कैसे करेंगे क्या है अच्छा ये एक्टर है तो इसके साथ कैसे करेंगे इसके साथ ये कितना फुटेज का लेकिन एक्टिंग में थोड़ी सी तो आप लोगों को स्वतंत्रता मिल जाती है वो उस तरीके की जो रंगमंच में होती है उतना तो नहीं होता है यहाँ पर क्योंकि यहाँ रीटेक की संभावना रहती है और दूसरा छोटे छोटे शॉट्स भी लिए हाँ, जा सकते हैं मैं प्रेफर करता हूँ पहला टेक बहुत अच्छा हो तो उसमें पूरा फोकस रहता है मेरा क्योंकि कोई भी चीज एक बार अच्छी होगी दो बार तीसरी बार फिर वो मैकेनिक वाला हो जाएगा मैकेनिज्म हो जाएगा कि ऐसे उठना है इतना चलना है इतना ये नहीं फ्लो आना चाहिए तभी वो स्वाभाविक लगेगा अच्छा एक अगर फ्लो नहीं है तो आप काटते रहिए हाँ उस चीज को याद रखना है कि मैंने क्या किया था उतना यहाँ छोड़ा था ये पहले से लेना है स्विम करना है नहीं करना इस चीज को यहाँ तक लेके गया था मैं तो अगला शॉट अगर है तो फिर मैं यहाँ से शुरू करूँ वो सारी चीजें गणित को रखना पड़ता है कैमरे के लिए कि नहीं तो फिर वो मैच नहीं करेगा एडिटिंग में मैच नहीं करेगा कंटिन्यूटी को ध्यान रखना है कि इतना हाथ लिया था तो मैं वो सब चीजें नोट करके रखता हूँ अच्छा वो हाँ, नोट करते हैं नोट करता हूँ कि हाँ ये हाँ या तो मैंने इधर देखा था और कभी कभी फिर फ्लो में फिर अलग भी रंग बन जाता है कभी अच्छा भी बन जाता अच्छा है अच्छा भी बहुत अच्छा भी बन जाता है लेकिन कंटिन्यूटी ध्यान रखना ध्यान बहुत रखना, जरूरी होता है और उसमें डायरेक्टर भी मदद करता ही है और भी असिस्टेंट्स हैं बैठते हैं हाँ वो लोग बताते भी हैं मैंने कहा मेरे को याद है क्या क्या किया था फिर ज्यादा कोई बोलता नहीं कि उनको समझ में आ जाता है कि अपने आप कर रहा है तो ये परफेक्ट कर रहा है कर गलत हो मैंने गलत हो तुरंत टोकना मैं भी इंसान हूं मैं गलती कर सकता हूं तो आप बिल्कुल टोकना और मेरे को बता देना कि मैं कहां गलत हूं ये बताना बहुत जरूरी है गलत है कहां गलत हूं भाई
मेरे को बता देना मैं कहाँ गलत हूँ, तो मैं सुधार कर लूंगा। तो मतलब गलत है, अच्छा इसका मतलब टोटल गलत हो गया क्या? तो फिर उसके लिए फिर अलग से सोचना पड़ेगा, नए सिरे से सोचना पड़ेगा जी। कभी कभी असिस्टेंट भी गलती कर ही देता जी, है जी, जी। वो मिस कर देता है, कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है। इसलिए तो देव साहब ने एक बार कहा था ना कि मैं अपनी शूटिंग में किसी को नहीं बुलाता हूँ, कोई आना ही नहीं चाहिए। और बिल्कुल सही बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि वो एक अलग किस्म का काम है। वहां कोई बाहर का आ जाता है, वो अपने हिसाब से चलेगा, वो डिस्टर्बेंस होगा। जैसे हम इस स्टूडियो में काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं जी, कोई अनवांटेड अगर आदमी आ जाता है तो विचारों में खलल, हर चीज में खलल पड़ेगी। बिल्कुल, इस विषय से हटकर अगर कोई और बात होती है तो दिक्कत हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, ब्रेक लग जाता है। जी जी जी। लेकिन हम थोड़ा सा फिर घूमना चाहेंगे कि आपने जैसे बताया कि एक जो व्यक्तित्व आप निभाते हैं, चरित्र निभाते हैं, तो बिल्कुल उसमें डूब जाते हैं और आपके लिए बहुत जल्दी उससे निकलना आसान नहीं होता है। लेकिन आपने बहुत तरह की भूमिकाएं की हैं। पहले तो हमें लगता है आप अपनी फिल्मों का नाम खुद बता दें तो हमारे श्रोताओं के लिए अच्छा रहेगा, और फिर उससे कैसे निकलते हैं आप? फिल्में मुख्य मुख्य याद है, बाकी मेरे को अभी तो याद नहीं आ रही। अपर्ण है, गंगा जल है, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ का एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब डायरेक्टर ने कंपनी फिल्म देखी थी, वो उसके एडिटर थे, तो उन्होंने मेरे को बुलाया और बोला कि इसमें टैक्सी ड्राइवर का रोल है आपका, तो गाड़ी चलानी आती है? मैंने कहा हाँ, मेरे को गाड़ी का कभी स्टीयरिंग भी नहीं पकड़ा। हाँ, यही हमें भी लग रहा था कि आपको आती नहीं, जिस तरह से आपने हाँ किया जी। क्योंकि रोल पाना था, कैरेक्टर बहुत अच्छा था। हाँ। मैंने हाँ, तो साइनिंग अमाउंट दिया गया, मैं तुरंत गया मोटर ड्राइविंग वाले के पास। मैंने भाई मेरे को चार दिन में सिखाना है तेरे को। अच्छा। तब मैंने ड्राइविंग सीखी और चौथे दिन के बाद जब गया तो टैक्सी खड़ी थी, स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गई, एक्शन, जैसी गियर को छोड़ा गाड़ी गजर 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 बंद हो गई। क्या हुआ? मैंने कहा नहीं, मेरे पास गाड़ी वो वाली थी ना, इधर वाली, ये इधर वाली है, हाथ वाली है टैक्सी की। पहले शॉट में तो पीछे से धक्का मारा गया, कर ब्रेक मार देना, आप देखे गाड़ी आती है, वो पीछे धक्का मारा गया था, मैंने सिर्फ ब्रेक मारा। अच्छा। स्टीयरिंग को पकड़े रहा। फिर उसके बाद काफी दिन का गैप था, तो फिर परफेक्ट हो गया मैं। तो मैंने ड्राइविंग नहीं आती, रोल चला जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या बात है। तो मैंने गाड़ी चलानी सीखी, उसके बाद 2006 में गाड़ी खरीदी, फिर मैंने गाड़ी सीखी मैंने। उससे पहले मैं किसी की चीज लेना मेरे को पसंद नहीं है। ये बचपन से आदत है कि घर में भी, आज भी टीवी, मैं टीवी चला लूं क्या? वो आदत हो गई है, किसी के घर में कोई सामान छूना ये गलत आदत होती है, जिस किसी घर में जाके ये छूना, वो छूना, ये ऑन करना, वो अपने संस्कार में ही नहीं है। तो मैंने फिर जब अपनी गाड़ी खरीदी, उसके बाद ही दोस्तों की गाड़ी भी नहीं चलाई कभी जी। वो पहले दिन जब गाड़ी शोरूम से दोस्त ने निकाल के दी, उसके बाद मैं रात को प्रैक्टिस करने का कई बार ठोक भी दिया। अपनी गाड़ी थी ना, कोई परेशानी नहीं, तो ठीक था। बिल्कुल सही बात है। एक और नाटक का आपने जिक्र किया था, जिसमें कि आपने बताया था मुल्क राज आनंद जी के साथ आपने नाटक किया था, अनटचेबल। हाँ, अनटचेबल नॉवल है मुल्क राज आनंद जी का। इसको डायरेक्ट किया था क्रिस्टन लंडन स्मिथ, लंडन से थी, उन्होंने डायरेक्ट किया था। तो वो कैरेक्टर मतलब अछूत के ऊपर है जी, एक परिवार के ऊपर कहानी है, नॉवल है। तो कैरेक्टर के लिए मैं उनकी बस्तियों में घूमा हूँ, समझा हूँ, और फिर अपने अंदर उनको डालने की कोशिश की, जैसा मुझे चिड़चिड़ापन जो उनके अंदर होता है, क्योंकि उनके अंदर चिड़चिड़ापन उससे नहीं है, उनके काम से है वो, क्योंकि वो वहीं पड़े हुए हैं, उनका कहीं से कुछ आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। उसके लिए फिर मैंने उनके स्वभाव को पकड़ने के लिए, उनके तौर तरीकों को देखकर, उनके बॉडी लैंग्वेज को समझना, उनके जेस्चर पोस्चर को देखना, और उसके पीछे उनका जेस्चर ऐसा क्यों है, तो उसके बारे में भी स्टडी किया। अच्छा। तो वो ऐसा जेस्चर क्यों होगा, तो उसके पीछे कारण ढूंढा, तो वो सारी चीजें मेरे अंदर आए। तो फिर मैंने नहाना बंद कर दिया, नहाता ही नहीं था, पानी से दूर ही रहा, तो मतलब मेरे शरीर से बदबू आती थी, मेरे स्वभाव में परिवर्तन होने लगा। मैं अगर खुजाता था तो नाखूनों में मैल भर जाता था, तो नाखून भी नहीं काटे थे कि वो मेरे को लगना चाहिए उस तरह के कैरेक्टर के लिए कि वो। फिर धीरे 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 तो जब मेरी ओपनिंग हुई तो वो शुरुआत ही उस तरह से हुई, क्योंकि गाली वाली दे के बात करते हैं तो गाली के साथ ही शुरू हुई चीजें, और उस तरह से अपने बेटे को लात मारता है, सुबह उठ के चल है साफ कर, क्या नहीं उठता तो एक लात मारता है, फिर वहां से फिर सीन डेवलप करता है। तो वो दिखाते हैं कि किस तरह से एक परिवार जो ना चाहते हुए भी उसको वो काम मल उठाने का काम करना पड़ता है जी।
तो वो सारी चीजें मैंने उसमें डालनी शुरू की। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि आप नहाते नहीं थे, पानी से दूर रहते थे, तो लगभग ये कितने दिन आपने किया इस तरह से? 15-20 दिन। तो मेरे शरीर से बदबू आती थी, चिड़चिड़ापन, चेहरा, वो सर्दियों के दिन थे, चेहरा मैं कुछ लगाता नहीं था, तो चेहरे पे मेरे को मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ी, चेहरे पे जो झुर्रियां टाइप में स्वाभाविक रूप से आ गई, हाँ, गंदगी फट गया, गंदगी के साथ वो चेहरे पे फट गया और होंठ फटे हुए थे, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं लगाया। जब शोज वो सब खत्म हो गए उसके बाद नहाया, फिर तो वो नाटक आपने इस तरह से किया? उस तरह से किया। तो आपने जब इतने दिन नहाया नहीं तो आसपास के लोग परेशान नहीं हुए? परेशान होते थे, लेकिन वो जानते थे कि ये अजीब तरह का ऐसे ही करेगा, ये अजीब तरह का, हो सकता आज नहीं नहाया, उनको क्या मालूम। अच्छा, उनको ये नहीं पता था कि आप इतने दिन से नहीं नहा रहा हूँ? मैं दूर ही रहता था ना लोगों से। मेरे को कीर्ति जैन थी हमारी डायरेक्टर, उन्होंने कहा तुम्हें इतना गंदा काम करते हुए अच्छा लगा क्या? मुझे घिन आ रही थी तुम्हारी बातों से। तो मैंने कहा मैडम मतलब ये तो अभिनय, मतलब आपने तो मेरे को A+ दे दिया कि आपको बुरा लगा, इसका मतलब मैं उस करेक्टर को जिया। मैंने जिया, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके का काम करने वाले मुकुल नाग जी, ऐसी बातें पहली बार सुनने को मिल रही हैं, जो जो आपने किया है रंगमंच के पीछे हो या आपने फिल्मों में अभिनय जो किया उसके लिए आपने जो तैयारी की, वो वाकई दांतों तले उंगली दबाने वाली बात है। मुकुल जी, बातें तो बहुत रोचक हैं, चलती रहेंगी। यहाँ पर हमारे श्रोता भी इंतजार कर रहे होंगे कि आपकी पसंद का एक गीत सुन लिया जाए। कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे? ले गई दिल गुड़िया जापान की, 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 पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया, ले गई दिल गुड़िया जापान की, ले गई दिल गुड़िया जापान की, पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया, जापान लव टोक्यो। शहर मत खाना जिसका अंदाज मशुकाना, देता है प्यार का पैमाना, करता है सबको दीवाना, ये तो शहर मत खाना जिसका अंदाज मशुकाना, जापान की, पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया, जापान लव टोक्यो। गोरी गोरी राही हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है विदाएं, जापानी परियां मुस्कुराए, देखो वो गोरी गोरी राही हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है विदाएं, जापानी परियां मुस्कुराए, जापान की, पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया, जापान
जवानी कहती है प्यार की कहानी आई वो कैबर की रानी जिसकी अदा में जिंदगानी नाचे हर मोड़ पे जवानी कहती है प्यार की कहानी आई वो कैबर की रानी जिसकी अदा में जिंदगानी ले गई दिल गुड़िया जापान की ले गई दिल गुड़िया जापान की पागल मुझे कर दिया भाषा में भी आपने फिल्में की हैं? जी हाँ बंगाली भाषा में की है आमिजे तुमार की है फिर रहमत अली की है मिथुनदा के साथ संख्या की दृष्टि से देखें तो जाहिर है कि पता चलता है हिंदी फिल्में जाहिर है आपने ज्यादा की हैं और धारावाहिक भी किया है पसंद क्या आता है फिल्म या फिर लीड कैरेक्टर हो क्या तो उसमें मजा आता है ये फोकस लीड कैरेक्टर में ज्यादा होता है इस तरह की चीजें हो तो और फिल्में कैरेक्टर अगर जानदार नहीं है तो नहीं करना चाहिए अभी मैंने दो तीन फिल्में मना की मैंने कहा मेरे करने के लिए कुछ है नहीं खामा का खाली दो रोटी के लिए वो दाल रोटी चल रही है ना मेरी मेरे को जरूरत नहीं है जी मैं कमा तो लूंगा कमाने में कुछ नहीं लेकिन जब परफॉर्म करूं तो मुझे लगे ना कि आज मैं कुछ किया है मैंने अननेसेसरी मैं रोज चाहूं तो रोज काम कर सकता हूं लेकिन रोल नहीं होगा तो पैसे के लिए मैं हो सकता है कम पैसे में करूं लेकिन रोल अगर अच्छा नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगा जैसे आप लोग बार बार कहते हैं रोल अच्छा नहीं होगा तो क्या देखते हैं कि उसको अच्छा कहते हैं और जिसको खराब कहते हैं देखिए एक तो लंबाई देखते हैं और एक कैरेक्टर की डेप्थ देखते हैं फिल्म में कैरेक्टर क्या स्थिति में रहती है उसके बिना क्या सीन हो पाएगा या उसके बिना कहानी आगे बढ़ पाएगी कि नहीं उस तरह से कैरेक्टर को देखा जाता है कैरेक्टर में मेरे को ये नहीं कि डायलॉग ही होना चाहिए जी सबसे मुश्किल काम होता है बगैर संवाद के पूरे सीन में बने रहना जी सबसे मुश्किल काम है बिल्कुल संवाद तो कोई भी बोल लेता है लेकिन उसके बीच में उसी के आसपास चीजें हैं कि नहीं है अगर वो नहीं है ऐसे ही खड़ा है तो नहीं करूंगा एक्स्ट्रा जैसे नहीं नहीं मैं सेट छोड़ के भी चला जाता हूँ नहीं करना मेरे काम में कोई डेप्थ नहीं है मैं नहीं करूंगा तू मेरे को गोली मारना है गोली मार दे मैं करूंगा नहीं मैं दुनिया कोई ताकत मेरे से काम नहीं करा सकती अगर उसमें कुछ है ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ यानी कि पैसा इससे कोई मतलब नहीं है पैसे के लिए जरूरी है पैसा लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि अपने जमीर को गिरवी रख के काम करूं कोई मतलब नहीं क्या बात है बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ये मॉरल वाली बात और खास तौर से एक अपनी पहचान या जो आप कर रहे हैं उसके संग कितना न्याय कर रहे हैं और वो न्यायपूर्ण है तो ही करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे इस तरह से समझौता न करना ये बहुत अच्छी बात है समझौता नहीं करूंगा काम के साथ समझौता नहीं करूंगा आज तक नहीं किया पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलता हुआ आया हूँ कितने जनों का वो आज भी मुझे याद है कि मैं जब थिएटर करता था मेरठ में दिल्ली थिएटर करता रहा थोड़ा बहुत नाम हुआ DD पे मेरा पहला नाटक आया था 85 में और उसके बाद थोड़ी सी अपने शहर में थोड़ी सी पहचान बढ़ी उससे पहले मैं अपने दोस्त के घर जाता था तो जब मैं बाहर निकलने लगा तो उसके पिताजी ने यह आदमी दोबारा नहीं आना चाहिए ये माहौल खराब कर देता है ऐसे आदमी घर में घुसने मत देना तो वो कान में आज भी बसता है मेरे शायद उन्हीं बातों ने मेरे को आगे बूस्ट भी किया है ये भी हो सकता है तुझे तो कोई चपरासी की नौकरी भी नहीं देगा इस तरह की बात मैं हमेशा 3rd division से पास हुआ हूँ क्यों कि मैं जितना समझता था उतना ही लिखता था पास होने के लिए नहीं लिखता था जितना मैंने समझा उतना ही लिखता था मैं किताब की रटी हुई चीजें नहीं लिखता था इसलिए हमेशा रॉयल डिवीजन में आता रहा मैं तो ये सारी चीजें हैं जो बिल्कुल अलग तरह का व्यक्तित्व मुकुल नाग जी का जितना समझता हूँ उतना ही करता हूँ उतना ही लिखता रहा आज भी जितना कैरेक्टर को समझता हूँ नहीं समझ पाया तो डायरेक्टर से डिस्कस करता हूँ कि मैंने ऐसा इसके आगे क्या समझ सकता हूँ बैठ के डिस्कस करता हूँ उससे मिला तो फिर काम को आगे बढ़ाता हूँ काम अगर अच्छा नहीं होता है तो भाग जाता हूँ इतनी पहचान मिलने के बाद और इतना आगे आने के बाद क्या मिस करते हैं मुकुल नाग जी मैं माँ को मिस करता हूँ पिताजी तो कभी देखा ही नहीं मैंने जब मैं किसी माँ बाप को देखता हूँ उसके साथ बच्चा जब पिता क्या होता है वो अनुभव करता हूँ माँ को मिस करता हूँ कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है जिंदगी में तो परिवार खोया है उस समय के दिन अभी माँ की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ माँ आ नहीं पाती मैं जा नहीं पाता हूँ देखिए कब
प्रभु पूरी करते हैं। अपना शहर, खान पान, गलियां। वो बहुत याद आता है। एक छोटा सा इंसिडेंस, मैं आज से 5-6 साल पहले मैं मेरठ गया था, तो मैंने कहा कि हम जिस चौराहे पर बैठते थे वहां चलते हैं रात को। तो हम वहाँ गप्पे मार रहे थे, पुलिस की गाड़ी आ गई, हमें बोले कैसे बैठे हो, ये वो, तो बताया कैसे, तो पुलिस वाले भी वहीं बैठ गए। क्योंकि आपकी पहचान अब हो गई है। हाँ, तो पुलिस वाले बैठ गए, रात को 2 बजे वहां से निकले। फिर हम लोग वहाँ गाने वाने गाने लग गए, तो अड़ोस पड़ोस के जो और भी लोग थे, कुछ लोग वो आ गए। तो यही हाल हमने बनारस में किया था लॉकडाउन से पहले, तो बनारस की घाट में रात को हम लोग गाना वाना गाने लग गए, तो लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए, खूब भीड़ इकट्ठी हो गई। तो मेरे साथ बुंदेलखंडी के लोग भी थे, उन्होंने अपना लोकगीत शुरू किया। वो जब हमने मस्ती में जब इधर देखा तो कम से कम 50-100 आदमी चारों तरफ थे। फिर उन लोगों ने चाय वाय पिलाई हमको, उन लोग कहते और गाओ, मजा आ रहा है। और बनारस के घाट में गंगा के किनारे वो मस्ती वाला दिन आज भी याद है। अभी मैं बनारस में सुबह गंगा की आरती पे चला गया, सुबह 4:30 बजे उठ के। और वाकई जिसने बनारस की सुबह नहीं देखी उसने कुछ नहीं देखा, वो बहुत आनंद आया। मैं एक जगह थक के बैठ गया था, वहीं गंगा की आरती शुरू हो गई, तो मैंने कहा ये प्रभु की क्या लीला। और उसने घंटी भी पकड़ा दी मेरे को कि आप बजाओ। इतना आनंद आया। उसके बाद घाट के किनारे होते हुए फिर कॉरिडोर से होते महादेव के दर्शन किए, और वहां 2 मिनट में दर्शन हो गया। मैंने ईश्वर मेरे साथ ही है, जहां लंबी लाइन लगी है मैं 2 मिनट में बाहर आ गया। तो पुरानी गलियां, पुरानी चीजें, अभी नवंबर में गया था तो पुरानी गलियों में वो चाट पकौड़ी की दुकान, वो दूध की दुकान, वो हरिया की दुकान, अपने दोस्तों के पुराने दोस्त आज भी मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे मिलता हूँ। पुराने दोस्तों को छोड़ना नहीं चाहिए, मैं हमेशा जोड़ के रखता हूँ। हाँ, यही मैं कहने वाली थी कि अक्सर लोग यही होता है कि बहुत आगे निकल जाते हैं तो पीछे सारी चीजें छूट जाती हैं, लेकिन पकड़ के रखना चाहिए। मैं तो कभी छोड़ा ही नहीं मेरे, आज भी वो हम चड्डी पहन के निकल जाते थे बारिश में, किसी टप के नीचे पानी बह रहा है, नाले के नीचे नहाते थे, तो वो दिन आज भी याद है। वो दोस्त आज भी मेरे दोस्त हैं, उनके बच्चों की शादी है, मैं जाता हूँ। अभी एक दोस्त के बेटी की शादी, हमें जाना है, अगर तू नहीं आएगा तो शादी नहीं करने दूंगा। मैं आ रहा हूँ। तो चलिए, बहुत सारी बातें और बहुत सारे सबक आपसे मिले, और जिंदगी से जुड़ाव और पुराने लोगों से जुड़ाव, और इस तरह से एक जिंदा दिली के साथ भी ये सफलता और ये मकाम हासिल किया जा सकता है, ये मुकुल नाग जी से सीखने को मिला, और हमारे श्रोताओं को भी ज़रूर इससे बहुत कुछ मिला होगा समझने के लिए, सीखने के लिए। मुकुल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, लग रहा है वैसे तो कि यूं ही बात करते रहें और भी जो आपके अनुभव हैं उनको सुनते रहें, लेकिन चूंकि समय को ध्यान में रख के चलना पड़ा। तो चलिए, हम आज की बात यहीं समाप्त करते हैं, और फिर एक और लंबी बात कभी करेंगे जब मौका मिलेगा, इस वायदे के साथ। मुकुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अभिनेता मुकुल नाग से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा विनायक तड़वलकर का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के मेहमान।